जान दर्जन बुला रहे आपको। क्यों, कोई बात है क्या? मुझे नहीं पता, बस दर्जन बोले हैं कि वो जल्द से जल्द बुला के लाने के लिए। ठीक है, रुको चलते हैं। कैफ, कैफ। ये अब्बू, तुम घर पे ही रहना, हम आ रहे हैं। ठीक है अब्बू, पर हम अकेले कैसे रहेंगे? अपना बकरा था, आपने उसे भी बेच दिया। बेचे नहीं है बेटा, बेचे नहीं है। वो हमारा सिर्फ बकरा नहीं था, जान था, हमारा जान। और जब से वो हमसे दूर हुआ है, तब से ना तुम ठीक से खा पाते और ना ही सो पाते हैं, इसलिए तो हमारा तबीयत भी बिगड़ गया। तो अब्बू, अब बताते क्यों नहीं है कि अपना बकरा कहाँ गया? बेटा, कुछ बातें ऐसी होती है ना जिसे हम लोग बता नहीं सकते। ठीक है अब्बू, आप परेशान मत होइए, आप जाइए। ठीक है बेटा, तुम घर पे रहना। ठीक है अब्बू, चलो। अस्सलाम वालेकुम मालिक। वालेकुम सलाम। मालिक हमें बुलाए हैं, कोई काम है क्या? हाँ, तुम्हारा खसी देखे एक आदमी को सदातपुर में लेकर जाते हुए। अच्छा ठीक है मालिक, हम अभी देखते हैं। हाँ, देखे, देखे। अब तो मुझे अपने लिए ना सही, पर अपने बेटे के लिए उससे लड़ना ही पड़ेगा और अपने बेटे के लिए बकरा लाना ही पड़ेगा। तुम नहीं मानेगा, चलवे करेगा। चलो फिर। अब्बू, बकरा क्यों लेके जा रहे हैं? फिर सब देखेगा तो बोलेगा कि बड़ा बकरा खरीद लिया है, तो सबको दिखा रहा है। बेटा, लोग क्या कहेंगे इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपना दिल साफ होना चाहिए, समझा? जी अब्बू। ठीक है, तुम घर पे ही रहना। जी अब्बू। पत्ता लीजिए, पत्ता पत्ता लीजिए, पत्ता। ओ कलामिया, क्या कलामिया? पहले बेटा बकरा को लेकर गांव में घुमा रहा था, अब तुम ही घुमा रहे हो। आप गलत मत समझिए भाईजान, आज जैसे पत्ता बेचने के लिए निकल ही रहा था कि ये भी जिद करने लगा, तो सोचा आज इसको भी पूरा गांव घुमा देते हैं। चलो ठीक है, 50 रुपए के पत्ता हमको भी दे दो। ठीक है भाईजान। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 50 रुपये का बचा ही हुआ है भाईजान। ये लीजिए। ठीक है भाईजान। ठीक, चलो। भाईजान, कितना बड़ा बकरा! माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बकरा। भाईजान, कितने में लिए भाईजान? भाईजान, ये बकरा तो बहुत ही महंगा है, पर सकेल में हमें 45,000 रुपये में ही दे दिए। भाईजान, इतना सस्ता में कैसे दे दिया? क्योंकि मेरे पास उतना ही पैसा था। अच्छा है, फिर अब चुपचाप ये बकरा मुझे दे दो। अब ये बकरा मैं लेके जाऊंगा, मैं, और अच्छी कीमत से बेचूंगा मैं, समझा? समझा तू? या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस बकरे को खरीदने के लिए हमने सालों भर पैसे जमा किए थे। अल्लाह या अल्लाह, कितना अच्छा आदमी और कितना गरीब है, पर क्या करें, मेरा भी पेट पालना है, मैं तो इस बकरे को लेकर ही जाऊंगा। भाईजान, हम जानते हैं कि आप इस बकरे को लेकर ही जाएंगे, पर आपसे एक गुजारिश है कि आप किसी को मत बताइएगा कि आप कुर्बानी के बकरे को चुरा कर लाए, और हम भी किसी को नहीं बताएंगे कि हमारा बकरा चोरी हो गया। अब जाइए, लेकर जाइए इस बकरे को।
चाचा जान देखे हैं, एक आदमी आपका बकरा उधर लेके जा रहा था। ठीक है हम देखते हैं। मिया, हम जानते हैं कि आपका बकरा आपको मिल गया होगा। खस्सी लीजिएगा भाई, खस्सी लीजिएगा, कुर्बानी का खस्सी लीजिएगा भाई, बकरा लीजिएगा भाई, बकरा लीजिए, कुर्बानी का बकरा लीजिए भाई, खस्सी लीजिएगा भाई, खस्सी, कुर्बानी का खस्सी लीजिएगा भाई। ये तो कलामिया का बकरा है, तुम्हारे पास कैसे आया? तुम बेच क्यों रहे उसको? अरे भाई साहब, हम बेच थोड़ी ना रहे इसको, हम तो कलामिया से मांग के ला रहे इसको, क्योंकि कल से हमको भी पत्ता बेचना है ना, इसलिए बकरा को लेकर ही बोलने का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम ना कल से बोलेंगे पत्ता लीजिए पत्ता। ठीक है ठीक है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। ठीक है भाई जान, चलते हैं। भाई साहब एक फिकर दीजिएगा। अरे भाई साहब आपका घर कहाँ है और ये कलाम भाई का बकरा लेकर के कहाँ घूम रहे हो? अरे भाई साहब हम कलामिया के दोस्त हैं दोस्त, और हम इसके साथ सेल्फी लेने के लिए निकले हैं, आपको भी सेल्फी लेना है इसके साथ? अरे नहीं भाई साहब, हमें नहीं लेना है सेल्फी, आप अपना फिकर लो और हमें पैसा दो। चलो दोस्त। ये तो चाचा जान का बकरा है, ये तो चाचा जान का बकरा है, चाचा जान का, ये तो चाचा जान का बकरा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं तेरे काबिल नहीं। जा चला जा, अपने मालिक के पास जा। कलामिया, हम जानते हैं कि आपका बकरा आपको मिल गया होगा, क्योंकि आपका बकरा बकरा नहीं बल्कि आपका बकरा तो शाहरुख खान है। शाहरुख खान जहाँ जहाँ जाते हैं सब पहचान लेते हैं। कलामिया, हम जैसे तैसे सब जगह से बहाना बनाकर निकले हैं, आप ही संभालो अपना बकरा को, क्योंकि आपका बकरा बकरा नहीं बल्कि आपका बकरा तो शाहरुख खान है भाई, शाहरुख खान है। या अल्लाह, आपने भी क्या इंसाफ किया है, आज तक हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आज हमारे साथ भी बुरा नहीं हुआ। चलो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने चैनल पे ज्वाइन मेंबरशिप का भी ऑप्शन इनेबल हो चुका है, तो अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर डाला है जो सिर्फ हमारे मेंबर्स को ही दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, और इस तरह से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।